बाद एक घंटा वेट किए, अभी से आ नहीं रहे हैं, क्या ही बोले एकदम इतना ज़्यादा लेट कर रहे हैं। कल भी नहीं हुआ, कल भी करना था हम लोग तुरंत, मतलब थोड़ा मतलब होता ना टाइम पास हो रहा है, पूरा मजा ले रहा है यहाँ पर, पूरा उलट रहा है, मजा आ रहा है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सिंटूरिना ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और हम लोग खाना वाना खा के रेडी हो गए हैं। हाँ। और हम लोग अभी जाना है खेत, एक खेत में बचा है धान, उसको लाना। कल आप वीडियो देखे होंगे, हम लोग दो खेत कल कंप्लीट किए थे। हाँ, और एक बाकी खेत है वो थोड़ा दूर में है। हाँ, तो उसको आज लाना है और उनको भी माथा में रहना, क्योंकि हम लोग कहते हैं गाड़ी जैसे ट्रैक्टर में बहुत कोई लाता उधर, सुविधा हम लोग का नहीं है, रास्ता वैसा नहीं है। ज्यादा भी दूर रास्ता नहीं है है, लेकिन पतला रास्ता है, गाड़ी वहाँ पर आना जाना नहीं होता, तो हम लोग को माथा से ही मतलब लाना पड़ेगा। मोड़ से काफी ज्यादा दर्द दे रहा था कल, मतलब सुबह भी सो के उठे ना ऐसे ऐसे करते ना, पूरा गर्दन सब पूरा दर्द दर्द दे रहा दर्द था। हाँ। ऐसे कर रट रट फूट रहा है। तो आज भी किसी तरह लाना है, बस आज भर इतना मेहनत करना है तो धान का जो होता है ना काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए धान अगर पानी उनी आ जाएगा ना तो ये पूरा साल भर का होता है ये धान, अगर ये चला गया तो फिर खाएंगे क्या, वही खाते हैं हम लोग। तो चलिए अभी हम लोग, माँ और पापा चल गए हैं, बस हम लोग दोनों ही हैं घर हाँ, में, तभी हम लोग भी जाएंगे। तो चलिए मिलते जाके खेत तरफ। सो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं खेत तरफ, अभी रास्ता में है। और रीना ले ली थी ये क्या गेठिया ना, खाने में अच्छा लगता है ये, दोनों जन खाते जा रहे हैं। कहाँ निकल रहा ये देखिए, गेठिया बोलते हैं इसको, मस्त लगता है खाने में, बेसन का बना होता है ना, पता नहीं कैसा होता है लगता है। रीना सिर्फ यही वाला लेती है, पैसा मिलेगा 5 रुपया एक पैकेट रहता है, बहुत रहता है ऐसा रहता, देखिए आप लोग जानते होंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग खेत पे आ गए हैं और हमको पानी प्यास लग गया था, भैया को आते आते पानी प्यास लग गया। खाया ना आरो का बोलते हैं, गेठिया खाए ना यार, हमको खाली प्लास्टिक खाना दिया, माँ को लाके दे दिए प्लास्टिक, खा गेठी यार हमको दिया खाली प्लास्टिक। और पापा भी लेते हुए पानी है जमीन में ही, इधर आने के बाद ना कहीं और कहीं सो जाते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कभी कभी, पानी है थोड़ा थोड़ा पीते हैं ऐसा चीज खाने, दुकान वाला चीज खाएगा ना बड़ी जोर पानी। हाँ, पानी प्यास तो लगता है, हमको सिखाया ना आपको बाद में ले देंगे। अभी हम लोग आ रहे थे तो खाते खाते आ गए दोनों भाई बहन, अब खत्म हो गया। तो आग जलाते हैं, प्लास्टिक किस लिए रखते, फेंकते नहीं है बाहर में, धान लाना कि नहीं आना, अब टाइम में पिसा वाला गाड़ी कहाँ है, अभी तो गाड़ी आया है, आने का है लेकिन बिजी, फोन किए थे तो बोल रहा है हम पीस रहे हैं अभी, पता नहीं आएगा कि नहीं, चले आप धाने लाएगा, एक खेत में बचा हुआ सब जमा होगा तब ना पिसाएंगे, एक पसरने से अच्छा होता है तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, देखते हैं अब कितना देरी में आता है। गाड़ी नहीं आएगा तो हम लोग को धान लाना होगा, कुछ तो करना होगा। हाँ। जब तक से गाड़ी नहीं आया है तब तक धान आना, उसके बाद में देखेंगे। सो दोस्तों हम लोग को आया हुआ 1 घंटा हो गया, इतना ज्यादा वेट कर रहे ना, कॉल करके बोल मतलब बोले ट्रैक्टर वाला को कि मतलब आइए, तो बोल रहे आएंगे, उसके बाद 1 घंटा वेट किए, अभी से आ नहीं रहे हैं, क्या ही बोले एकदम इतना ज़्यादा लेट कर रहे हैं। कल भी नहीं हुआ, कल भी करना था हम लोग तुरंत, मतलब थोड़ा मतलब होता ना टाइम पास हो रहा है, और बेरा में ही हम लोग पूरा कर लिए थे लेकिन आया ही नहीं, बोला कल, और आज भी वैसा ही कर रहा है, किसी को पिसता होगा इसीलिए नहीं आ रहा है, पता नहीं मतलब आशा नहीं देना चाहिए हम लोग को, बोल दिया निकल जाता है पीस के, कितना अच्छा है दूसरा काम, और पानी आने का भी बोल रहा है कल, 18 तारीख कल है ना, पानी उनी आ जाएगा तो सब मेहनत खराब। हाँ वही ना, आशा दे दे कि ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आएंगे और नहीं आएंगे, अभी हम लोग को जाना था लाने के लिए, अब वो भी नहीं आया, क्या करें बताइए ऐसा मतलब, चलिए अब जो भी होता है आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चलेंगे, बहुत ज़्यादा वेट कर लिए। हाँ, चलिए अब चलते हम लोग धान लाते हैं, अब आएंगे तब कॉल कर देंगे, नहीं तो फिर कल एक ही बार करेंगे। हाँ, आज ला लेंगे धान, आज तो आया नहीं टाइम, आपको इसी बीत गया, मतलब इतना वेट कराएं, कल से वेट करा रहा है ट्रैक्टर वाला, क्या ही करें अब, चलो धान लाने है ना, चलिए। और दोस्तों हम लोग खेत पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं माँ भी बीरा बांध हुई है और इधर एक तो बांधा हुआ है, तो पापा को भी उठा देंगे, दो बांधा हुआ है। हाँ, दो बांधा हुआ है, ट्रैक्टर वाला इतना ज्यादा वेट किया ना, बहुत ज्यादा वेट किया, आया गए लेखने के लिए, क्योंकि उसके चलते ये वाला भी छूट जाता है तो बेकार होता, कम से कम खरे में रहेगा ना तो वहाँ पर बचा सकते हैं, लगा हुआ रहेगा तो हम ही जमा रखने से मतलब चाट उट भी ढक सकते हैं अगर पानी आने से। तो अभी आगे अभी बांधेंगे सबको, तीन को हो गया, चार जाने हम कब लेके जाएंगे, लोग लेके जाएंगे क्योंकि हम अपने से उठा के जाएंगे ना इसलिए। हाँ,
हाँ। चलिए अभी बांध देते हैं माँ को। बांध दीजिए। यहाँ पर बांधना होगा, दो जन रहने यहाँ पर नहीं होता है। हाँ। एक जन कैसे बंधेगा? यहाँ पर बांध रहे हो और यहाँ से काफी दूर है खरे। हाँ, कल का वीडियो में बताए थे दूर है यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो माथा में लिखना पड़ेगा। चलिए उठाते हैं अभी। उठाने सकेंगे ना रीना? हाँ उठा देंगे। चलिए उठा दीजिए हमको। देखिए भैया ले लिए, अब जाएंगे तो पापा को भी अगर उठा देंगे। ले लिए हम। हाँ। चलिए अब चलते हैं खलियानी में। हम लेते हैं ना ना। हाँ हम लोग लेते जाएंगे। तो भैया जा रहे हैं, देख सकते हैं, और अगर यहाँ उठा देंगे माँ को। चलिए उठा दीजिए जल्दी, बहुत भारी है ये वाला। भारी है मतलब ओला खुस गया। ये वाला खुस गया तो यही वाला लेके जाइए, तो बांध देंगे हम लोग। मोटा रस्सी है वो, इसमें मोटा रस्सी है, तो यही वाला एक बार लेके जाइए। अब आइएगा तब अथी करके जाइएगा। पापा लेंगे। हाँ तो बांध देंगे ना दूसरा। हाँ उठा दीजिए यही वाला। ये वाला धान ना थोड़ा ज़्यादा भारी है, उधर का खेत से ज़्यादा ये वाला है, देख सकते हैं। धान भी झर रहा है काफ़ी। तो चलिए अब माँ लेके जाएगी और ये वाला फिर से बांधना होगा, खुज गया है, देख सकते हैं। ये डोरा नहीं ना है, इसीलिए साड़ी का जो पार होता है वही है, तो इसको फिर से खोलना होगा और बांधना होगा वो रस्सी से, देख सकते हैं। अब दूसरा बीड़ा डालेंगे, ये वाला छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दे दिए हैं, अब इसको बांधना होगा। चलिए बांध लीजिए, पकड़िए इसे करके बांधेंगे इसको। जल्दी घुसाइए। ये वाला भी घुसाइए, इधर वाला इसको भी घुसाएंगे, इसको लेके जाएंगे पापा। दोस्तों पापा को भी अलगा दिए और लेके जा रहे हैं अभी। भैया तो वहाँ पे पहुँच गए होंगे खलियान में और आते ही होंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं भैया अभी आ गए हैं लेकर के। आ गए। भारी लग रहा था। भारी बहुत है। तो वहाँ पर गए हैं ना, रखे था और ये वाला ऐसा है ना, गया था ना ऐसा ही है। रहे हैं मतलब अचानक उठने से ना थोड़ा खराब लगता है। हाँ, इसीलिए। और दादी इन लोग उधर काट रही है। अच्छा अभी जा रहे हैं उधर। दादी है, बूढ़ी दादी है। हाँ। और बूढ़ी दीदी है। और यहाँ पर एक रीना भी नहीं लगी क्योंकि ये ना उला खुल गया, इसीलिए उला खुल गया ना। और माँ बोला बस अलगा देने तुम। हाँ हम अलगा देंगे बस। कल लगी थी ना तो ज्यादा ही उसका ये हो गया, इसीलिए माँ बोल रहे की नहीं लगी। हम लोग तीन जन लगेंगे, रीना बस उठा देगी ना, वही काफी है। तो ना वाला फिर से बांधा होगा। हाँ वो खुल गया, इसलिए माँ वाला नहीं लेके गई। वो आ ही गए, देखिए वहाँ से आ रहे हैं, देख सकते हैं। चलिए आने दे, तब तक बैठते हैं धान में। गद्दा जी सब बैठ गए। तो अभी माँ आ गई है और अभी बांध रहे हैं, खुल गया था। दूसरा रस्सी उसी में पार कर दे रहे, समझे? इधर से पार करके दूसरा रस्सी से बांध रहे। अभी वाला बाद में खोल देंगे। चलिए वाला खोल दीजिए। अब ये वाला में फिर दूसरा बांधेंगे ना। हाँ ये वाला में कम वाला बांध दिया, ये थोड़ा ज्यादा है। बेड़ा दिए थे। हाँ यहाँ पे छह तो दिए थे, यहाँ पे बेड़ा बहुत ज्यादा भारी होगा। हाँ। बड़ा बड़ा वैसे दिखता है लेकिन जब बांधते हैं ना। हाँ। तो फिर हो जाता है छोटा, लेकिन छोटा भारी हो जाता है, भारी होता है। अच्छा चलिए सब बांध लेते हैं। लीजिए सब, उसके बाद जाएगा एक ही बार जाएंगे। हाँ। चलिए अभी और बांधते हैं। सो दोस्तों सभी मिलके बांध लिए हैं तीन जन का। अभी पापा का भी उड़ रहा है धान, नहीं माँ का है। ये देखिए रीना और पापा मिलके उठाए, और मेरा और पापा का इधर रखा हुआ है। यह मेरा है, पापा का है। और अभी देखिए बहुत सारा अभी बाकी है धान। हम लोग जिधर पूरा दिख रहा है वहाँ तक नहीं है, हम लोग का आधा तक है, उधर आधा फिर बड़ी मम्मी इन लोग का है। यहाँ जगह से हम लोग
हाँ वो जो खूटा दिख रहा है वहाँ से हम लोग का, उधर पे दूसरा का है। चलो अब रीना उठा देगी पापा का। बहुत ज़्यादा भारी लगता है उठाने में भी। अब मेरा पारी है ना, ये वाला उठाएंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इतना बड़ा बड़ा खेत है, बताओ सब अपना साझा नहीं है, बताओ तो है। देखिए हम लोग साझा करते हैं, सब साझा भी करते हैं। जैसे ये जैसे दूसरा का खेत है, ये वाला अभी खेत है ना, तो इसको दूसरा का हम ही लोग का है, तो अभी फिर बड़े पापा है उसका साथ फिर आधा बांटना होगा। वो तो अलग, जैसे उधर ऊपर तरफ खेत है इतना बड़ा बड़ा है ना, तो इसे साझा है। हाँ बोले साझा है। साझा का मतलब बताओ तो। साझा का मतलब क्या, मतलब दूसरे का खेत है उसका, मतलब उन्हीं लोग का खेत में हम लोग बस खेती करते हैं और आधा बांटा देते हैं। आधा बांटा उन लोग को देते हैं। जिसका जमीन है वो हाँ। वो कुछ नहीं करेगा, बस क्या बोले उसी का जमीन है, जमीन बस हम लोग सब खटेंगे, खट के और हम लोग जैसे हम लोग खटेंगे उगा देंगे वो, मतलब उसका घर में भी पहुँचा देंगे हम लोग। वैसा होता है साझा, मतलब आधा हिस्सा उनका रहेगा और आधा, लेकिन मेहनत हम लोग का ही करना पड़ता है और करना पड़ता है उन लोगों को, बस खेत रहता है बस। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग का इतना खेत है, आप लोग को इतना सारा धान। देखिए हम लोग का सब नहीं है, हम लोग जितना है जितना भी करते हैं उतना दिखा देते हैं, लेकिन हम लोग का आधा है साझा किया हुआ, यानी दूसरा का खेत में हम लोग उपजाते हैं और आधा बांटा फिर उनको देते हैं जिसका खेत है ना, ऐसा ही करते हैं। तो चलिए अब ये वाला उठाएंगे हम और चलेंगे। दोस्तों पूरा शाम होने चला, थोड़ी देर बाद सूरज ढक जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर अभय और अविनाश को दोनों एकदम पूरा पूरा मजा ले रहा है यहाँ पर। रे तुम भी आ इधर, पूरा उलट रहा है, मजा आ रहा है अविनाश। पूरा उल्फा दे रहा है यहाँ पर। ए छुटू तुम भी दे रहा है, इन लोगों को देखे ये भी उछल रहा है पूरा। किस तरह दिख रहा है बंदर। दो उल्पा दो उल्पा, ये अविनाश का भाई। चलो दो वहाँ पर, जल्दी 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 जल्दी, वो नहीं सक रहा है। और ये रहा अविनाश, इन लोग का धान इन लोग भी पूरा जमा कर रहे हैं अभी। हम लोग का तो वहाँ पर है, इन लोग का भी सब हो गया है, लाना हुआ पिसाना बाकी है, एक ही साथ पिसाएंगे सब। चलो हो गया रे सब, एकदम बंदर जैसा दिख रहा है। अब नहीं खेलो है ना, खेलो। अरे खेलवे पूरा एकदम मस्ती में है सब। पूरा गंदा हो गया रे, ए ये एकदम खतरनाक दिख रहा देखिए। आ गए हैं अपना खेत में, ये देखिए आधा कंप्लीट हो चुका है इधर और इधर भी। अब उधर आधा बाकी है और रीना बैठी है, थक गए का हैं हम बैठने में, थक थक हम लोग लेग रहे हैं और ये बैठी है, बस अलगा दे रही है इसे बांधे तो वो ये अलगा दे रही है, इसी में थक गई है। और अब शाम भी होगा थोड़ी देर में, चलो उठा दो। चलिए यहाँ पर अब ख़त्म होने वाला है, अब उधर देखते हैं शाम हो जाएगा, नहीं तो फिर कल सुबह फिर कर देंगे आधा। चलिए इसको लेखते हैं। सो दोस्तों अभी आधा ख़त्म हो गया और आधा उधर बाकी है, आधा कल लगेंगे है ना। अब पूरा शाम हो गया, ये देखिए पूरा सूरज लाल हो गया है, डूबने वाला है, बस यही लास्ट है तीन को वो सब लेते जाएंगे, उसके बाद कल फिर पूरा कंप्लीट करेंगे और कल हो सके तो पिसा भी देंगे। हाँ हाँ कल जल्दी आना होगा और जल्दी लेके जाएंगे, उसके बाद जल्दी पिसा भी देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय। आज भी रीना को हंसी लग रहा था, इसके चलते हम भी हंसे थोड़ा बहुत, मतलब एंड करते हैं ना जब भी इसको, मतलब पता नहीं क्या थोड़ा बहुत हंसी लगने लगता है। चलिए बाय बाय। ले लिए।